सभी को विजिबल है साइट? यस मैम। ओके, कल हमने ना फेब्रुअरी वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस किए थे, कुछ जनवरी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज रह गए हैं, हम लोग वो वाले डिस्कस करेंगे। 120 क्वेश्चन समथिंग है, बट हम लोग 40 40 करके तीन डेज में इसको करेंगे, जैसे आज 40 किए, फिर नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे 40 40, तो जनवरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं। सभी को अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बोल दो, मेरी आवाज सही से आ रही है, सभी तक पहुंच पा रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेको लोकेटेड? तो हेडक्वार्टर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहां पर है? ऑप्शन दिया है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। अब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिया वाली है ना, नेशनली मतलब कि इंडियन कंट्री की बात की जा रही है। अब कंट्री में एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है ना, एड्स को कंट्रोल करती है, यूथ में अवेयरनेस फैलाती है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात पूछिए। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, किसी को आइडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैम गेस कर सकते हैं? हाँ श्योर मैम, मे बी दिल्ली या मुंबई। उन्होंने पहली बार रेड रिबन क्लब क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। नेको वॉज एस्टेब्लिश इन 1992 एज अ डिविजन ऑफ हेल्थ मिनिस्टर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इट इज इम्प्लीमेंटिंग द एल्डर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स इन एसोसिएशन विद एनसीईआरटी, के साथ उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। 12,500 रेड रिपन क्लब भी है जो क्रिएट करते हैं अवेयरनेस अमंग द कॉलेज यूथ के रिगार्डिंग, एड्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना है ना, तो ये वाला काम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू रिक्विट वुमन एज अ पायलट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट ईयर? तो कौन सी आर्म इंडियन आर्मी की जिसने रिक्विट किया है वुमन्स को एज अ पायलट? ऑप्शन दिया है कॉर्प्स ऑफ सिंगल, आर्म क्रॉप, आर्मी एविएशन क्रॉप और कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स। तो एनी गैसेस? आर्मी एविएशन कॉर्प। यस, आर्मी एविएशन कॉर्प इज करेक्ट। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नराने, वुमन विल बी इंडक्टेड एज अ पायलट इन द आर्मी एविएशन कॉर्प फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो उन्हें जो रिसेंट हमारे आर्मी चीफ जनरल है मनोज मुकुंद नरावने, उन्होंने बोला है कि वुमन पायलट इंडक्टेड इन एज अ पायलट इन द इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प फॉर द नेक्स्ट ईयर। Prior to this, women were being allotted only ground duties. अभी इसके पहले कब से women's को ground duties allocated थी, अब army aviation में भी allocation किया जाएगा next year से। Women pilot would fly helicopters and as a part of the operation of the borders. तो अब ये borders operation पे भी fly करने लगी। Next question, question number third. The UN and its partner are seeking $1.3 billion for which country affected by war? So United Nations और उसका जो partners हैं उन्होंने 1.3 billion seeking for which country affected by war? Syria, Iraq, Afghanistan और Palestine। तो कौन सी country war के affected है तो उन्होंने 1.3 billion की है UN और उसके partners। अच्छा, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है मैम। अफगानिस्तान मैम, इराक नहीं, नहीं अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है, इराक भी मैम। इराक, यस मैम, इराक और अफगानिस्तान दोनों में सेंट्रल एशियन है। ओके, इट्स अफगानिस्तान।
UN and its humanitarian partners in Afghanistan are seeking $1.3 billion to assist the 16 million people affected by war. 6 years ago, only 2.3 million people were targeted for assistance, which has now increased 6 times. The people are in need for life-saving assistance after decades of conflict, natural disaster to prevent COVID-19 pandemic. ओके तो जो अभी अफगानिस्तान में बहुत सा 6 साल पहले इतने पीपल्स को असिस्टेंट मिला था, अभी भी मांग की गई है कि 1.3 मिलियन बिलियन की जरूरत है जो 16 मिलियन पीपल को जो वॉर से अफेक्टेड है उन्हें असिस्ट करे. और अभी तो कोविड-19 सिचुएशन चल रही है तो थोड़ा उसमें भी हेल्प मिलेगी. क्वेश्चन 4, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एज एमओयू विद व्हिच कंट्री ऑन द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. इंडियन कैबिनेट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है फॉर साइंटिफिक कॉर्पोरेशन? यूनाइटेड किंगडम, यूएई, फ्रांस एंड जर्मनी. साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन के साथ किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है? कौन सी कंट्री? मैम यूएई. यस यूएई. मैं हिंट देने वाली थी. ओके गुड वन. इंडियन कैबिनेट हैज रिसेंटली approved a memorandum of understanding MOU on scientific and technical cooperation between India's Ministry of Health, Earth Science and UAE National Center Meteorological will be collaborated to share the knowledge and oceanic services, deploy meteorological operation observation in the countries, also aim to support the tsunamis early warning centers. तो जो यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएई एंड इंडिया ऑन विच डिपार्टमेंट? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पूरी क्लाइमेट के बारे में जितना भी है मॉनसून के बारे में रिगार्डिंग सबको सबकी बताती है ना, सारा मेंटर करती है क्या चीज होने वाली है. तो इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और यूएई से नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी में कोलैबोरेट होकर नॉलेज को शेयर करेंगे. जो भी ओशनिक सर्विसेज हो रही है, जो मेट्रोलॉजिकल डिप्लॉय ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है उनको शेयर करेंगे और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे. तो ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया. क्वेश्चन 5, विथ रेफरेंस टू डिफेंस, व्हाट इज एएसएमआई दैट सीन इन द न्यूज रिसेंटली? एएसएमआई का मतलब क्या होता है? एएसएमआई डिफेंस से रिलेटेड है तो न्यूज में है. फर्स्ट ऑप्शन है मशीन पिस्तौल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आर्टिलरी गन. तो ASMI क्या है? एक हम जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम पता नहीं. मशीन पिस्टल और डी. मैम ए और डी में से शायद कोई. अच्छा ए और डी में करते. चलो ठीक है, तो एलिमिनेट कर दिया हमने बी और सी को. ओके अब ए और डी में से ज्यादा क्लोज क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? आर्टिलरी गन क्योंकि ज्यादा खतरनाक होता है वो. ज्यादा खतरनाक होता है, दैट मींस कि ए हो सकता है ऐसा. मैम मशीन पिस्टल हो सकता है, हम पता नहीं है शायद. यस इट्स मशीन पिस्टल. मशीन पिस्टल डिफरेंट होता है आर्टिलरी गन से या कुछ अलग होता है पिस्टल, सिंपल पिस्टल से? नहीं पिस्तौल होती है ना वो. मशीन पिस्तौल मतलब मशीन के रूप में आपको वो पिस्तौल से यूज किया जाता है. इसका हम लोग फुल फॉर्म जो कि नेम दिया है, असमी इसका नाम दिया गया है. DRDO ने इसको डेवलप किया रिसेंटली. डेवलप दी कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस मशीन पिस्तौल डेवलप की गई, इसलिए नाम याद रखिए ASMI. असमी इसको नाम दिया गया है, मशीन पिस्तौल नहीं है. The name pistol has been developed by the DRDO among the with the help of Indian Army. It has set to replace the 9mm जो भी है pistol which are currently used in the defense force. क्योंकि इतनी ये वाली pistol की हम लोग use कर रहे थे, तो अब DRDO ने indigenously develop कर ली है machine pistol जिसका नाम है ASMI या असमी आप pronounce कर सकते हैं, वो DRDO ने बनाई है. तो ये असमी अगर जो news में अगर आपसे पूछा जाए तो ये related है machine pistol के. Question 6. Rishikula Beach, which was making news recently, is allocated in which Indian state and union territory? Rishikula Beach तो बहुत ही मतलब easy question आ चुका है.
महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है या केरला में? मैम इन क्वेश्चंस में थोड़ी हिंट दे दिया करूं, अच्छा ऐसा, नहीं ओके. ये जो स्टेट है, मैम बी और डी में लग रहा है, बी और डी में से कोई और। ओके, मतलब एलिमिनेट तो आपने पहले ही कुछ कर लिया, बी और डी. चलो ठीक है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हटा दो. ऋषिकुला नाम कहाँ से रिलेटेड लग रहा है, उड़ीसा नाम है या केरला होगा? मैम उड़ीसा का लग रहा है थोड़ा सा। ये उड़ीसा नाम, मतलब ऋषिकुला आपको समझ में आना चाहिए. केरला से थोड़ा सा के नाम होते, केरला तमिलनाडु वाले. यस, इस उड़ीसा का बीच है. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टैगिंग इंडेंजर्ड ओलिव रेडली सी टर्टल इन ऋषिकुला बीच. अब ये जो है ना ओलिव रेडली सी टर्टल, ये इंडेंजर्ड टर्टल है, इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है. इंडेंजर्ड लिस्ट दैट मींस कि बताओ मुझे, इंडेंजर्ड लिस्ट मैंने बोला तो कौन सी लिस्ट के अंदर है ये, कौन निकालता है ये लिस्ट, उसको आइडिया है? नहीं, मैम लाइक हमारी यूनियन इंडियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज है उनकी आईयूसीएन के बात। बारे में पता है? आईयूसीएन रेड लिस्ट, नो मैम मैम एनवायरनमेंट में, यूनेस्को होगा फिर और कौन। एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं लाइक कोई भी स्पीशीज न्यूज में होती है तो अपन बोलते हैं कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये इंडेंजर्ड है, या ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, या नियर थ्रेटेड है, या वल्नरेबल है. ऐसे टर्म सुने हैं आपने आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग? नो मैम ओके, आई लीव अबाउट इट. जब आप एनवायरमेंट डीपली पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा आपको आईयूसीएन क्या होता है. आईयूसीएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेक्शन ऑफ नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पीशीज के लिए बनाई हुई है. वो एक रेड लिस्ट पब्लिश करती है जिसके अकॉर्डिंग सारी स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट स्पीशीज, एनिमल, सारे स्पीशीज को कवर किया जाता है. जो भी स्पीशीज इंडेंजर्ड है दैट मीन्स कि जिन्हें खतरा है, जैसे ह्यूमन हैबिटेट या ट्रैफिकिंग से खतरा होता है, उन्हें इन लिस्ट में रखा जाता है और उनके लिए प्रोटेक्शन पे फिर कंजर्वेशन सारे वर्क किए जाते हैं. तो इसके रिगार्डिंग ओलिव रेड रेडली जो सी टर्टल है, जो ऋषिकुला ब्रिज उड़ीसा में हम लोग बोल रहे हैं कि उड़ीसा के से इम्पोर्टेंट है, वहां ये देखा गया है कि ये वाला बीच जो ओलिव सी टर्टल हमें देखा गया है जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसलिए ये बीच न्यूज में. ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट्स फॉर दिस टर्टल, सिक्स टर्टल फ्लोटिंग इन द डीप वाटर इन द बे ऑफ बंगाल वेयर द अटैच टू द टैग्स एंड रिलीज द बैक, दिस विल एनेबल टू देम टू ट्रैक द माइग्रेशन पाथ टू द टर्टल. दीज जूलॉजिकल सर्वे आल्सो सेड दैट 30,000 टर्टल्स, उन्होंने बोला कि इस बीच में 30,000 टैग सब की कुछ है, उन्होंने बताया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग. तो ये याद रखिए आप कि ऋषिकुला बीच जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड. क्वेश्चन 7, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी सेट अप बाय द सेंटर टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज? तो कौन चेयरमैन है कमिटी का? अमिताभ कंत, शशि सी वेम्पति, प्रकाश जावेकर, सलीम वर्मा. मैम इट कैन बी प्रकाश जावेदकर क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग और उसका लाइक वो है ना मिनिस्टर। आप एक कमिटी बताइए, कमिटी बनाइए. हु वाज द चेयरमैन ऑफ अ कमिटी सेट अप बाय सेंटर टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसी? अब कोई उसकी मिनिस्ट्री होगी और उस कमिटी के रिगार्डिंग कुछ भी करना होगा तो वो मिनिस्ट्री थोड़ी कुछ काम करेगी, कुछ कमिटी चेयरमैन बनाएगी ना किसी और को. लाइक हमने कल भी ऐसा ही चीज देखी थी, याद है? यस मैम वो एजुकेशन मिनिस्टर हम सारे बोल रहे थे। यस ओके, तो प्रकाश जावड़ेकर हमने हटा दिया. अब तीन बचे, अमिताभ कंत, शशि एस वेम्पति और सलीम वर्मा. मैंने तो सिर्फ अमिताभ कंत का नाम सुना है, प्रकाश जावड़ेकर। ओके, करणदीप आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? नो आइडिया मैम। नो आइडिया, और किसी को कोई आइडिया है? ओके, ले
ये बताती हूँ मैं, शशि एस गणपति है, रिसर्च एजेंसी के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेट अप कमिटी टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज अंडर द हैंड ऑफ द प्रसार भारती एसईओ, जो भी देख लो याद रखो कि शशि एस वेम्पटी। अच्छा मुझे हिंट दे देते यहाँ पे ताकि आप थोड़ा सा देख लेते, ये सीईओ है प्रसार भारती के, सीईओ है, मैं परसों थोड़ा सा टेलीविजन रेटिंग एजेंसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रसार भारती सीईओ शशि एस वेम्पटी। द कमिटी हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, रिपोर्ट सबमिट करके ये कमेटी बनाई गई है, जो भी टेलीविजन की रिगार्डिंग जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उनको ये रिपोर्ट करेगी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सबमिट करेगी। द मिनिस्ट्री विल इवेल्युएटेड द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटीज रिपोर्ट्स, और मिनिस्ट्री इवेल्युएट करेगी जो भी रिकमेंडेशन ये कमेटी बताएगी। तो याद रखिएगा कि चेयरमैन है कमिटी जो कि सेंटर टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑफ टेलीविजन रेटिंग एजेंसी, वो भी है शशि एस वेम्पटि। Question 8. India has decided to set up $1 million facility for academic collaboration with which country of which region? कौन सी region के लिए India ने decide किया है कि $1 million facility academic collaboration करेंगे? किस कौन सी country के साथ? Europe वाली region country में, Arab region में, Asia region में या South America region? मैं country का नाम बता दो। कंट्री का नाम बता दूंगी तो आप तो आंसर ऐसे ही बता दोगी। अच्छा मैं सी का नाम बताती हूँ, बिटवीन कौन सी चीज के ना। ये है ना कह सकते हैं रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में कंट्री है मैम। साउथ अमेरिका। रेड सी साउथ अमेरिका में कहाँ आ गया? नहीं मैम उस साइड है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ उस साइड है मैम। नो मैम होगा सी, सी होगा अरब। यूरोप कैसे हो सकता है? राइट सी सी ऑप्शन सी। यस अरब ऑप्शन सी सी मैम। India has decided to establish a $1 million facility for the academic collaboration with the Arab worlds. Arab worlds में कौन कौन से? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, यमन, ये सब। तो ये पर्शियन गल्फ और रेड सी है ना, उनके बीच में तो है ये वाले कॉन्टिनेंट। अरबियन अरब कॉन्टिनेंट नहीं बोल सकते, अरब कंट्रीज है। yes. अरब रीजन बोल सकते। This was decided at the third senior official meeting at the Arab Indian Corporation Forum. The meeting was held in a virtual format. The proposal for establishment the facility for the academic collaboration is expected to have for reaching impact of the contact between India and the Middle East. So, Middle East में हम लोग बोलते हैं Middle East Asian countries या Arab countries, जहाँ पे India और Asia cooperation करेंगे और यहाँ पे regarding जो भी होगा collaboration के साथ इस region को $1 million की facility provide करेंगे। Question 9. Which company has been ranked at the top 2020 Hunrun Global 500 list में? कौन सी कंट्री ने रैंक किया है टॉप? कंपनी सॉरी, which company has been ranked at the top? Apple, Amazon, Walmart, SpaceX. कोई आइडिया किसी को? मैम मे बी Amazon बहुत लाइक ज्यादा सबसे ज्यादा वर्किंग और फेमस ऐप है इनमें से। ओके Amazon एक का आंसर Amazon है। और कुछ और भी बताना चाहेगा? मैम SpaceX भी हो सकता है, Elon Musk काफी वो हो चुका है ना। ओके ऑप्शन बी और डी मिले हैं, और कोई? अच्छा एक हिंट देती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो इंडियन कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो ये बोलते हैं या प्रिफर करते हैं कि बाहर कंट्री से लेके आओ तो सस्ता मिलेगा? मैम एप्पल। यस एप्पल, इट्स एप्पल। बट कैसे एप्पल? इसके तो देखो ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सम कंपनी हैज रैंक एट द टॉप इन द ये जो ग्लोबल लिस्ट निकली है
2020 हुंडून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है, हुंडून ग्लोबल 500, उस लिस्ट में एप्पल ने टॉप किया है. आप इसमें गेस नहीं कर सकते कि अमेज़न बहुत ज्यादा न्यूज में है तो अमेज़न होगा, या स्पेसएक्स अभी एलन मस्क के कारण न्यूज में है जो कि बिलियनर्स बन चुका है टॉप, तो उसमें इसके कारण होगा, बट ऐसा नहीं है. एप्पल इसका आंसर है. 2020 हुंडून ग्लोबल 500 लिस्ट, एप्पल इज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विच इज अ वैल्यू ऑफ $2.1 trillion, फॉलोड बाय द माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न $1.6 trillion ईच. एंड देखो, सबसे पहले एप्पल, आपको यहाँ पे तीन कंपनीज के नाम आ गए. सबसे ज्यादा एप्पल है अकॉर्डिंग टू 2020 हुंडून ग्लोबल 500 लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है और फिर अमेज़न है. तो ये तीन कंट्रीज है जिसका वैल्यूएबल ज्यादा है ग्लोबल मार्केट. 2020 हुंडून ग्लोबल 500 इज अ लिस्ट ऑफ 500 वैल्यू नॉन स्टेट कंट्रोल कंपनीज इन द वर्ल्ड. 11 इंडियन फर्म आर अ पार्ट ऑफ द लिस्ट विच इज लेड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री वर्थ ऑफ 169 बिलियन. इंडिया की भी जो है कंपनीज वो भी इसका पार्ट है. 11 कंट्रीज, उसमें से रिलायंस ने $169 billion का कंपनी का वैल्यू है. तो टॉप थ्री कंट्री कंपनीज पता चल गई आपको, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अमेज़न है. अमेज़न, यस. क्वेश्चन 10, द नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव नेम क्या कायाकल्प वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री इन द 2015. तो कौन सी मिनिस्ट्री, बाय विच मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कायाकल्प? Ministry of Science, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Agriculture. National Initiative name कायाकल्प. Guess कर सकते हो कायाकल्प से ये कौन से ministry के अंतर्गत हो सकता है? Eliminate करो कुछ तो options बताओ कि मैम ये मुझे नहीं लग रहा है इसको eliminate कर दो, या ये मुझे लग रहा है. हम कायाकल्प तो बिल्कुल साइंस और एग्रीकल्चर तो नहीं लग रहा. साइंस और एग्रीकल्चर तो नहीं लग रहा. ठीक है, साइंस और एग्रीकल्चर मैंने एलिमिनेट कर दिया. गुड वन करण जी. ओके, अब ऑप्शन दो बचे. ज्यादा क्लोज क्या लग रहा है कि कायाकल्प हेल्थ से फैमिली से रिलेटेड है या वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड? हम हेल्थ एंड फैमिली. हम हेल्थ एंड फैमिली. नेशनल इनिशिएटिव है कायाकल्प जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2015 में लॉन्च किया गया था. इनिशिएटिव का एम है इम्प्रूव करना हाइजीन सैनिटेशन क्लीननेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इन इंडिया. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये वाला इनिशिएटिव कायाकल्प 2015 में लॉन्च किया था, जिसका एम था कि इम्प्रूव करना हाइजीनिक थोड़ा सा अस्वच्छता सफाई वगैरह थोड़ा सा क्लीननेस देखना है ना, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इंडिया के अंदर. रिसेंटली कायाकल्प को अवार्ड मिला है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसलिए न्यूज में है. तो कायाकल्प को अवार्ड दिया गया है पब्लिक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी फॉर हाइजीन स्टैंडर्ड ऑफ देयर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के कारण, हाई स्टैंडर्ड सैनिटाइजेशन ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के कारण इन्हें अवार्ड दिया गया है. इसलिए ये क्वेश्चन था कि कायाकल्प जो लॉन्च किया गया है वो कौन से मिनिस्ट्री में किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. क्वेश्चन 11, द रिसर्च ऑफ डुरम यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ विच स्पेस बॉडी. तो जो डुरम यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है, तो कौन सी स्पेस बॉडी को वो उनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए मून, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी अर्थ. अभी रिसेंट में हमने लास्ट सेकेंड ईयर हमने मतलब एक लॉन्च किया था जिसको हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए थे, मिशन फेल हो गया. कहाँ के लिए था और कौन सा मिशन था? इंडिया ने लॉन्च किया था मून, मैं चंद्रयान वाला क्या? यस एग्जैक्टली मून. तो जो दुरियम यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है जो मून के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है. लाइक आपने जियोग्राफी के स्टार्टिंग की एनसीईआरटी से पढ़ा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, उसमें दो से तीन थ्योरीज बताई है
कि मून कैसे फॉर्म हुआ है, लाइक कुछ थ्योरीज बोलती है कि अर्थ और मून एक साथ में थे, बहुत बड़ा पार्टिकल्स अर्थ से टकराया तो अर्थ का थोड़ा सा पार्ट अलग हुआ, वो अर्थ के ऑर्बिट पे रह गया जो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है, और उसे मून नाम दे दिया गया। तो एक नेचुरल सेटेलाइट है हमारी मून है ना, हम लोग बोलते हैं नेचुरल सेटेलाइट है। तो इस तरीके से कुछ थ्योरीज बताती है, कुछ थ्योरीज बोलती है कि डोल्डम शेप में था तो बीच में से टकरा के दोनों अलग हो गए, अलग अलग थ्योरीज है। तो ये सुपर कंप्यूटर उसके एक्सप्लेन फॉर्मेशन को कैसे बना है, वो क्या करेगा उसको एक्सप्लेन करता है, तो वो मून के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। रिसर्च रिसेंटली ऑफ ड्यूरम यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ मून। द रिसर्च हैज स्टार्टेड द अर्थ कोलाइड विद अ मार्स लाइक प्लैनेट नेम्ड थिया अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। द रिजल्टिंग डेब्रिस इज फाउंड टू बी अ सेल्फ ग्रेविटेशन बॉडी which is a great resemblance to the moon in terms of mass and ferric properties. तो उनके according ये जो moon का formation है वो इस तरीके से हुआ है कि Mars जैसा planet था हमारा Earth 4.5 billion ago जिसका नाम था थिया या कुछ भी आप pronounce कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब collide हुआ ना Earth Mars से collide हुआ, ऐसे Mars like बड़े planet से collide हुआ तो कुछ debris Earth से अलग हुई, debris मतलब कि कुछ part Earth का अलग हुआ और वो एक नेचुरल मतलब ग्रेविटी के कारण, बॉडी ग्रेविटी के कारण वहीं पे ऑर्बिट करने लगा, रोटेट होने लगा, तो उसके कारण मून का फॉर्मेशन हुआ, एग्जांपल ऑफ मून। तो ये थ्योरी बताता है जो दुर्हम यूनिवर्सिटी का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन 12, गूगल हैज रिमूव्ड द पर्सनल लोन एप्लीकेशन इन विच कंट्री एमिड सेफ्टी कंसर्न। गूगल ने पर्सनल लोन एप्लीकेशन को एमिट कर लिया है सेफ्टी कंसर्न के लिए, कौन सी कंट्री से? चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो कौन सी कंट्री से गूगल ने ये हटा दिया है कि आप नहीं कर सकते पर्सनल लोन एप्लीकेशन? मम्मी भी चाइना और पाकिस्तान। इतना कॉन्फिडेंस है आपको आपकी कंट्री पर? नहीं, हम पाकिस्तान में ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, चाइना कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टली। हमने कल पढ़ा था 2020 के जो साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग 2.9 लाख कितने ज्यादा केस थे साइबर क्राइम। हम बट पाकिस्तान में ज्यादा हैकर्स हैं इंडिया के अकॉर्डिंग। हैकर्स हैं बट कहाँ होका रहा है, इंडिया को ही तो हैक करते हैं वो बार बार आके, इंडिया में तो साइबर हैकर्स हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का जो भी हैकर होगा वो पाकिस्तान में रहके नहीं करता, उसको दुश्मनी होती है इंडिया से, वो इंडिया के जो भी क्लाइंट्स होते हैं। लाइक रिसेंट में आपने 2020 की एक न्यूज है, जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी जजेस थे जो मतलब थोड़े हाई प्रोफेशनल हाई क्लास से बिलोंग करते हैं उनके फोन्स को हैक किया गया था, तो वो इस तरीके से हैकर्स है। और ये इंडिया है, गूगल ने यहाँ से रिमूव किया है पर्सनल लोन एप्लीकेशन। मतलब पाकिस्तान, चाइना और सारी कंट्रीज वाले आके हमारी कंट्री में हैकिंग करते हैं। अपने यहाँ पे हैकिंग करते हैं ये बात मानी, बट अपने यहाँ एज कम्पेयर टू, मैं मतलब क्रिटिसिज्म नहीं कर रही हूँ इंडिया का उसका, बट हाँ एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, अपने यहाँ इतना ज्यादा अच्छा से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेकर कि हम लोग इसमें आगे जाएं। लाइक अभी सब लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमें क्यों जरूरत है आगे, इसकी इतनी क्यों जरूरत है, लाइक इंजीनियर्स हम लोग बना रहे हैं या इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी इसके लिए अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है, हमारे यहाँ सर्विस में ज्यादा है जो इंजीनियर्स है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर बाहर कंपनी बाहर अदर कंट्रीज में जाके जॉब कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे यहाँ हम लोग इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। एक अभी आपने आंध्र प्रदेश का एक सुना होगा थर्मल पावर प्लांट था, उसे भी हैक किया गया था, उसके 21 कंप्यूटर्स को हैक किया गया था। इस तरीके के न्यूज आप रिसेंट कभी कभी सुनते रहते हैं कि आज ये हुआ आज ये हुआ, तो हमें बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है कि हमें भी इतना थोड़ा सा बूस्ट करें हम इस चीज को लेकर कि हमारे यहाँ पे भी प्रोटेक्शन हो, एटलीस्ट हैक किसी को ना करे पर प्रोटेक्शन तो हो ताकि हमारे यहाँ कोई हैक ना कर सके डाटा। ओके तो टेक्नोलॉजी मेजर गूगल हैज रिव्यू हंड्रेड ऑफ पर्सनल लोन एप्स इन इंडिया दैट वर फ्लैग्ड बाय यूजर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इट हैज आल्सो रिमूव्ड दोस एप व्हिच वर फाउंड टू वायलेट इट्स योर सेफ्टी पॉलिसीज। अर्लियर आरबीआई हैज वॉर्न्ड द पब्लिक नॉट टू फॉल प्रे टू द अनऑथराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स। आरबीआई ने पहले ही वॉर्न कर दिया था
गूगल मैंडेट द डेवलपर्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एप टू डिस्क्लोज ऑल द की इंफॉर्मेशन. तो गूगल ने बोल दिया जो भी डेवलपर्स हैं उनको उनको डिस्क्लोज कर दिया सारी की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग. और आरबीआई ने पहले ऐसा वॉर्न कर दिया था कि हमारे यहाँ से जो लोन एप्लीकेशन है वो रिमूव होने वाली है सेफ्टी कंसर्न के लिए. ओके क्वेश्चन 30. Who is was, who is ya was the first US president to be impeached twice? Aisa kaun hai ya tha US president first jisko do bar impeach kiya gaya? Acha impeach ka matlab pata hai president impeachment kya hota hai? Ma'am remove karana usse process. Ma'am maybe B or D mein se hi hai koi Andrew Johnson or Ronald because Clinton to nahi hua kabhi. House of Representative has voted to impeach the President Donald Trump after the riot of Capitol building. Which this round impeachment, Donald Trump became the only US president to be impeached as a second time. दो बार US president को दो impeach किया गया था. मतलब जो वहाँ का House of Representatives है, like हमारे यहाँ जो लोकसभा है, उन्हें हम लोग उनको वहाँ पे state को House of Representatives बोलते हैं. The House impeached him once on the charge of incitement of insurrection for his role in the recent riot of by supporters at the US Capitol. तो यहाँ पे उन्होंने मतलब थोड़ा सा इनको इंपीचमेंट ऐसा था कि उन्होंने अलग अलग जगह उस पर जाकर कुछ मिसबिहेव कर दिया था जो उन्हें नहीं करना था. और सपोर्टर्स के खिलाफ उन्होंने रियोज बाई सपोर्टर्स जो उनके सपोर्टर्स थे ना उनके खिलाफ ही उनको थोड़ा सा अलग अगेंस्ट वोटिंग मिली थी कि हाँ ठीक है इंपीचमेंट कर दीजिए. इसके कारण उनका दो बार इंपीचमेंट हो गया. क्वेश्चन 40. A team of scientists from which organization has interned China to probe the source of the coronavirus? Team of scientists from which organization has interned China to probe the source of coronavirus? कौन सी organization की team है जो China में intern हुई है देखने के लिए कि coronavirus का sources क्या है? FAO, WHO, CDC, John Hopkins University. WHO. हाँ बहुत इजी था ये ऑप्शन की क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड हेल्थ इश्यू आ जाता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है ये. अच्छा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है हम जिनेवा स्विट्जरलैंड. टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अराइव्ड इन वुहान प्रोविजन ऑफ चाइना टू इन्वेस्टिगेट द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक. In the December 2019, the disease emerged from the central China city after which spread the entire world. Earlier, WHO claimed that China has not permitted WHO to undertake the COVID-19 origin mission. के लिए तो COVID-19 का origin mission के लिए WHO को enter नहीं कर रहा था China. ऐसा WHO ने बोला था. But अभी World Health Organization China में Wuhan city में जाके देख रहे हैं कि कैसे COVID का जो source है वो क्या है. Question 15. Which country has recently unveiled US dollar 1.9 trillion COVID-19 relief package? कौन सी कंट्री ने अनवील किया ये तो बहुत कॉमन है 1.9 trillion COVID relief. हम US. US कैसे लग रहा है आपको? हम अनवील मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा आया है COVID-19 रिलीफ पैकेज अनवील किया. रिलीफ पैकेज मतलब उन्होंने ये पैकेज अनाउंस किया है ताकि वो इतना इसमें खर्च करेंगे कोविड से लड़ने के लिए 1.9 ट्रिलियन. मैम अमीर ज्यादा तो यूएस ही है तो ऑस्ट्रेलिया अमीर कंट्री नहीं है. यूनाइटेड किंगडम अमीर नहीं है. जर्मनी नहीं है. मैम इनके कंपैरेटिवली यूएस से ज्यादा अमीर है. ओके यूएस है. मैं ना आपको कंफ्यूज भी करती रहूंगी. ये मैं सोचे कि मैम ऐसा बोल रहे हैं तो आंसर ये नहीं होगा. ओके यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडन एज एन अनाउंस्ड यूएस डॉलर 1.9 ट्रिलियन प्लान टू रिवाइव द कंट्रीज इकोनॉमी एंड कॉम्बैट द कोविड-19 या कोरोना वायरस. द प्लान इज प्रपोज टू अप्रूव द एलिजिबल इंडिविजुअल विद द यूएस डॉलर 14,000 एज अ स्टिमुलस पेमेंट. It also seeks to provide US dollar 130 billion to help the schools in the country to safely reopen.
तो इतना मतलब स्कूल्स और कंट्रीज में हो ताकि वो इजीली वापस से जो भी उनका प्लेटफॉर्म है वो अचीव कर पाए, जितना भी उनका रनिंग चल रहा था। और जियो बाइडन ने 1.9 ट्रिलियन प्लान अनाउंस किया है लड़ने के लिए, कंट्रीज की इकोनॉमी को वापस से बैक टू ट्रैक लाने के लिए और COVID-19 से लड़ने के लिए। 16 क्वेश्चन। एज अ रिसेंट स्टडी, हस्टमैन स्पाइडर प्रेजेंट इन विच कंट्री ईट थ्री फॉग, फ्रॉग्स को ईट करती है। हस्टमैन स्पाइडर है प्रेजेंट इन विच कंट्री ईट थ्री ट्री फ्रॉग्स को ईट कर रहा है। इंडिया, मेडागास्कर, सिंगापुर, ब्राजील। हम हिंट पूरा दो। अच्छा हिंट बता दूं, कंट्री इंडियन ओशियन में। क्या ये कंट्री इंडियन ओशियन में है। अब इंडियन ओशियन का नाम लिया, दैट मीन्स आप एलिमिनेट कर सकते हो तीनों ऑप्शन को और उस कंट्री का नाम इजीली आ जाएगा। इंडियन ओशियन का नाम है, तो सिंगापुर और इंडिया एलिमिनेट कर दो। मैम, मेडागास्कर को कर सकते हो और ब्राजील को। हाँ ब्राजील और मेडास्कर को एलिमिनेट करना है। जी मैम, क्योंकि मैंने बोला मेडागास्कर कि यूरोप मैम में मुझे है तो और मेडागास्कर ब्राजील। ही लग रहा है मेरा हिंट सुनो, मैम। ये जो कंट्री है जो जहां पे हंसमैन स्पाइडर प्रेजेंट है, जिसने ट्री फॉक्स को ईट किया है रिसेंटली, वो कंट्री इंडियन ओशियन में रहे, इंडियन ओशियन में है। तो मुझे बताओ ब्राजील इंडियन ओशियन में कैसे हुआ और सिंगापुर कैसे हुआ। मैम मैंने बोला कि ब्राजील और मेडागास्कर को छोड़ के इंडिया और सिंगापुर में से लग रहा है, मैंने ये बोला, क्योंकि ब्राजील तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, मेडागास्कर यूरोप ओके। में है। नो मेडागास्कर यूरोप में कैसे है? मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है। मैम, यूरोपियन कंट्री है आई गेस, शायद। मेडागास्कर अफ्रीकन कंट्री है, साउथ यस मैम, अमेरिका। अफ्रीकन मैम, यस, ईस्ट साउथ अफ्रीका में आई है एग्जैक्ट। मेडागास्कर। हम इसका सुना था कि यूरोप में भी है पार्ट कुछ, लाइक यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो किसी और कंट्री से। आप आंसर बताओ मैम जल्दी। मेडागास्कर है। एज पर द रिसेंट स्टडी हंट्समैन स्पाइडर्स प्रेजेंट इन मेडागास्कर ईट ट्री थ्री जो छोटे छोटे टाइनी ट्री फॉक्स है उन्होंने ईट किया है हंट्समैन स्पाइडर ने। तो साइंटिस्ट प्रेडिक्टेड दैट द स्पाइडर कैच प्रे बाय वेइंग ट्रैप्स मेड ऑफ लीव्स। अर्लियर स्पाइडर वाज स्पॉटेड बाय द साइंटिस्ट व्हिच प्रेड टू ऑन द ट्री फ्रॉग ट्रैप ऑन द पॉकेट ऑन द ट्री द स्पाइडर सिल्क सीलिंग द एजेस एंड द फॉग थिंक दिस इज अ शेफ प्लेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द सन। तो ये जो स्पाइडर है सन से प्रोटेक्ट करता है ट्री की शेल्स में, और स्पाइडर जो ये स्पाइडर है ये वो छोटे छोटे फॉक्स को भी खा जाता है। तो मेडागास्कर में देखा गया है। और जो एकम आप प्लीज अपने ये जो पॉइंट को ना जैसे माइंड में सेटअप कर लीजिए कि मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री। ओके, मिसमैच मत कीजिए। WHO is the head of who is the head of RBI's working group on regulation digital lending space? कौन है हेड RBI का वर्किंग ग्रुप है रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग स्पेस? AK मोहनती मोहंती, जयंत कुमार दास, रघुराम राजन, रघुराम राजन और इंजेटी श्रीनिवास श्रीवासन। किसी को आइडिया, कोई गेस करना चाहेगा? मैम ओके, आंसर बता देती हूँ मैं। थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन है, ये हेड मैम, ये हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है वो ही है ना, मतलब शायद जयंत जयंत कुमार। कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फॉर्म अ 6 वर्किंग मेंबर ग्रुप के लिए बनाया है, जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जयंत कुमार दास एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑन रेगुलेशन ऑफ डिजिटल लैंडिंग स्पेस। द कमिटी वुड स्टडी डिजिटल लैंडिंग एंड इट्स रेगुलेटेड एज वेल एज अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर टू डिवाइस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सेक्टर। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए बनाई गई कमेटी आरबीआई ने बनाई है, 6 मेंबर की वर्किंग कमेटी जो कि इसको हेड करेगी, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जयंत कुमार दास, वो इसके चेयरमैन। क्वेश्चन 18, पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर प्रकाश राव
who was seen in news recently was associated with which film? अब प्रकाश राव की बात करिए, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? क्रिकेट, म्यूजिक, सोशल एक्टिविज्म, स्पोर्ट्स। तुम्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। हम सोशल एक्टिविज्म गेस कर रही हूँ। ओके, गेस करा आपने, ठीक है। और कोई? और मैम म्यूजिक, ठीक है। ओके, ऑप्शन बी और सी में से बताइए। सोशल एक्टिविज्म ही है, मैम सोशल एक्टिविज्म ही होगा। यस, इट्स सोशल एक्टिविज्म। डॉक्टर प्रकाश राव, द नोटेड सोशल एक्टिविज्म एंड पद्मश्री अवार्डेड डॉक्टर प्रकाश राव डाइड रिसेंटली इन कटक में, रिसेंटली 63 ईयर ओल्ड, ब्रेन स्ट्रोक के कारण डाइड हुए हैं। इज नोन एज फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अपलिफ्टिंग एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन टू स्लम एंड ऑर्फन चिल्ड्रन टू ऑफ कटक, जो कुतक और कटक जिसको आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, वहाँ पे ये रिसेंटली डाइड हुए हैं। और वहाँ पे उन्होंने जो स्लम एरियाज है वहाँ के पीपल्स को एजुकेट किया है, चिल्ड्रंस को। He started the school name आशा ओ आश्वासन, आशा ओ आश्वासन के लिए, आश्वासना आश्वासना के नाम से उन्होंने स्कूल को लॉन्च किया है कत्तक में, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी चिल्ड्रन को जो स्लम्स में रहते हैं उन्हें उनके लिए। तो अच्छा काम किया है, सोशल एक्टिविज्म थे ये जो रिसेंटली देख रही है ब्रेड स्टॉक के कारण। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर जॉइंटली लॉन्च बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड एनआईसी एंड सेंट्रल ब्रॉड सिक्योरिटी एजुकेशन, एनआईसी और सीबीएसई दोनों ने मिलके कौन सा एक सॉफ्टवेयर जॉइंटली बनाया है, लॉन्च किया है? कोलैब, कैड, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क, कैड डेवल। तो एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक सेंटर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या हो सकता है आंसर? दोनों ज्वाइंट होके क्या कर रहे हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कोलैब। इन्फॉर्मेशन नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जॉइंटली लॉन्च अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कोलैब कैड। जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अलाउ करेगा स्टूडेंट को क्रिएट एंड मॉडिफाई 3D डिजिटल डिजाइन विद अ फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो 3D डिजिटल डिजाइन बना सकते हैं स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा, जो कि फ्री होगी इमेजिनेशन, आप कितना भी आपका जितना इमेजिनेशन है उस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। दी एनआईसी एंड सीबीएसई एंड अटल इनोवेशन मिशन was jointly released a comprehensive e-book on Colab CAD 3D modeling. तो इन्होंने अटल इनोवेशन मिशन भी इसमें शामिल है, एनआईसी और सीबीएसई ने ई-बुक लॉन्च की है, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंसिवली मॉडलिंग करना है, उसके ऊपर डिजाइन करना है, फ्रेमिंग बनानी है। 20 क्वेश्चन, विच कंट्रीज मार्स रिगर प्रोब नेम मोल, मोले या मोल, वोस डिक्लेयर डेड रिसेंटली। कौन सी कंट्री का जो मार्स का प्रॉप था, मार्स डिगर प्रॉप मोले, उसको डिक्लेयर किया है डेड रिसेंटली। अब डेड डिक्लेयर किया है रिसेंटली, थोड़ा सा आप गेस करना कौन सी कंट्री से हो सकता है, चाइना, यूएई, इजराइल और यूएस, या यूएस इजराइल, कौन सी कंट्री से हो सकता है? अब देखो आपको हिंट बताती हूँ, मार्स की बात की है और ऐसा जो प्रोब है वो काफी समय से एक्टिव था और अब उसको डेड बता दिया है। तो रिसेंटली अभी तो चाइना ने मार्स पे भेजा है ना, चाइना अभी बनाए, फर्स्ट बनाए ताकि उसने रोवर भेजा है, तो चाइना को एलिमिनेट कर दो। और यूएई ने भी हमने कल ही पढ़ा है कि एक मिशन भेजा है होप, अरेबियन होप है ना, जो मून पे जाएगा और मार्स पे जाएगा वो वाला मिशन, तो ये वाले हमने भी एलिमिनेट कर दिया। अब बचा इजराइल और यूएसए, तो कौन सी कंट्री लग रही है जिसका ऐसा रोवर मतलब प्रोब है मार्स पर जो कि डेड अब डिक्लेयर हुआ है, काफी समय से वर्क कर रहा था बट अब डेड डिक्लेयर है? यूएसए, इट्स यूएसए। द मार्स डिगर प्रोब नेम मोले जो कि डिप्लॉय ऑन द मार्स बाय नासास इनसाइट लैंडर ने डिप्लॉय किया था, इज बीन रिसेंटली डिक्लेयर डेड बाय द साइंटिस्ट एज इट फेल्ड टू बोरो डीप इनटू द मार्स। और द हीट प्रोब वॉज डेवलप्ड एंड बिल्ट इन द जर्मन स्पेस सेंटर, इट हैज बीन ट्राइंग सिंस 2019 टू बिग डीप एंड फाइंड द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द मार्स, द इनसाइड लैंडर विल कंटिन्यू वर्किंग टिल 2022।
तो जो इनसाइड लैंडर है जो उसने लैंड किया था मार्स पे, वो 2022 तक कंटिन्यू वर्क करेगा, पर जो उसके लैंडर के अंदर जो प्रॉप था जो वहां पे मूव कर रहा था और ड्रिंकिंग कर रहा था मार्स के अंदर, अर्थ मार्स का टेम्परेचर फाइंड कर रहा था, वो हम अभी हम उसको डेड हो गया, डिक्लेयर कर दिया साइंटिस्ट ने, डेड हो गया है वो। 21 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड वर्क स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब फीचर्ड इन द बजट फॉर व्हिच इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट्स के लिए 20 करोड़ प्रोजेक्ट बनाया गया है वर्क स्टेशन के लिए, बिल्ड करेगी वर्क स्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्क फ्रॉम होम जॉब फीचर्स के लिए, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, व्हिच इंडियन स्टेट? अच्छा हिंट देती हूँ, साउथ इंडियन स्टेट। हम तमिलनाडु और केरला, बी और सी में से, चलो इतना भी बता देती हूँ, ऑप्शन डी और ऑप्शन एक वाली में, केरला और तमिलनाडु। अच्छा नीति आयोग की रिसेंटली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे रिपोर्ट आई थी, उसमें इस स्टेट ने टॉप पोजीशन, हम केरला, केरला, यस इट्स केरला। और जो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिहार वर्स्ट कंट्री है, वर्स्ट स्टेट है सॉरी, जिसका परफॉर्मेंस वर्स्ट है, जहाँ पे लिटरेसी भी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से नहीं है। ओके तो ये केरला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ केरला TM थॉमस जो है इज आप लॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट एक्शन प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किया है, इफ री इलेक्टेड, अगर वो इलेक्टेड होते हैं, द मेन फोकस वॉज टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, उनके लिए उन्होंने टैकल किया है कि मिनिस्ट्री प्रपोज अ 20 करोड़ प्रोजेक्ट, 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो बिल्ड करेगा वर्क स्टेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएगा, डायरेक्टली हायर करेगा जॉब सीकर्स को वर्क फॉर फ्रॉम होम और वर्क नियर होम मॉडल पर, ताकि लोग घर बैठे या घर के आसपास से ही काम कर सके। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वहां के फाइनेंस से केरला के TM थॉमस। क्वेश्चन 22, इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च इसरो व्हिच वाज सीन इन न्यूज इज हेडक्वार्टर इन व्हिच स्टेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, मैम इज इट केरला? कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसका हेडक्वार्टर? ओके ऑप्शन बी के और उसके अलावा, ऑप्शन बी के अलावा मैम आई थिंक केरला और जम्मू कश्मीर। ओके बी और ए, और कोई? केरला हेडक्वार्टर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। यस ऑटोनॉमस गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहते हैं ना? यस एग्जैक्टली, स्पाइस रिसर्च जो IISR है उसका ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, सब्सिडियरी एंड इंडियन काउंसिलिंग रिसर्च जिसका अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है इंडिया में, जिसको एग्रीकल्चर रिसर्च रिलेटेड टू स्पाइसेस इन इंडिया इज हेडक्वार्टर इन कोझिकोड केरला। Recently, principal horticulture scientist J. Rama assumed charges as a new director of Indian Institution of Spice Research. उन्होंने एक assume किया new charge, तो इसलिए news में आके institute और इसका headquarter कहाँ है? केरला। अच्छा, Jallikattu is an event celebrated in which state is union territory? ये ऐसा event है जहाँ पे bull के साथ कुश्ती की जाती है, लड़ाई की जाती है, एक person रहता है और इधर साथ में बुल रहती है, बुल बफेलो है ना, उसके साथ कुश्ती की जाती है, इनका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कि आप ऐसे एनिमल के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनिमल राइट्स, बट फिर भी प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेडिशन है वहां का। तो कौन सा स्टेट का है ये सेलिब्रेट किया है जल्लीकट्टू इवेंट? आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु? चेन्नई किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु। यस इट्स तमिलनाडु। तमिलनाडु चीफ एडप्पी के पलनस्वामी फ्लैग फॉर ऑफ द
famous jallikattu to event at the Alannapur in Madurai district of the state. Jallikattu is a bull tamping sports traditionally organized in the state. When I have told you, sports is an important part of Pongal festival. This we call Matu Pongal. Amidst concern of animal rights, the event is continued after the state passed an ordinance to conserve the tradition. State ne bhi pass kar diya hai ki aap conserve kare tradition ko, to ye continue hai. Baki animal rights ke regarding thoda sa ye hai ki aap aise tarike se is tradition ko nahi follow kar sakte. Question 24. What is the name of the Startup India International Summit organized by DPIIT? Department of Promotion Information Technical Research द्वारा जो स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइजेशन उसका नेम क्या है शुरू प्रारंभ प्रेरणा व्यूहम हम प्रारंभ पक्का यस मैम ये आपने कराया अभी तक शायद लवली मेरी तुम्हें ना तुम्हारी आवाज मुझे अब सुनाई दी है तुमने अब ज्वाइन किया है क्या यस मैम क्या कर रहे थे नेटवर्क नहीं था पहले मैं हिमाचल में हूँ ना मैम इसलिए मैं कल गांव आ गई हूँ द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो कि प्रारंभ नाम से ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्ट किया याद रखना प्रारंभ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी जो है डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने स्टार्ट किया है टू डे इवेंट है प्रारंभ the summit aims to bring some of the leading minds from around the world on one platform and deliberate about the celebration between countries of the startup ecosystem. कुछ नया initiative करने के लिए deliberate minds के लिए start किया गया 2 साल का event से 2 year का दो day का event है और उसमें सारे को एक साथ एक platform पे worldwide लिया जाएगा और deliberate किया जाएगा collaboration between countries and startup ecosystem regarding. तो ये इंडियन इंटरनेशनल समिट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल इंडियन ट्रेड जिसका नाम था प्रारंभ क्वेश्चन 25 व्हाट इज द मिनसुमा व्हिच इज वाज मेकिंग द न्यूज रिसेंटली ये क्या है नेम एक न्यू स्टार का नाम है या न्यू प्लेनेट का नाम है यूएस पीस कीपिंग मिशन इन माली उसका नाम है मिनसुमा या यूएस फेडरल टैक्स लो यूएसए का फेडरल टैक्स लो है या यूएन का पीस कीपिंग मिशन है जो माली में चल रहा है या नेम ऑफ अ न्यू प्लेनेट या नेम ऑफ अ न्यू स्टार मिनसुमा मैम इट्स अ मिशन मैम सी ऑप्शन मैम ओके लवलीन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जानती करमदीप और एक और कौन यश है हरीश क्या है नाम इसका है हरसिमरन ओके तो इन सारे लोगों को क्या क्या लगता है क्या हो सकता है मैम न्यू प्लैनेट तो नहीं हो सकता न्यू स्टार भी नहीं लग रहा हम सी और डी में से हो सकता है कोई सी और डी में से है ठीक है तो अच्छा वोट कर लेते हैं मेजॉरिटी आंसर पता चल जाएगा लवलीन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है एक एक वोट सी पे गया और कोई बताना चाहेगा ओपिनियन क्या लगता है ऑप्शन डी करणदीप के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंग सी है तो दो इक्वल हो गया फिर तो हम ऑप्शन सी नहीं करणदीप के अकॉर्डिंग सी है मैम माली के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं मिनसुमा इसका फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबिलाईजेशन मिशन इन माली जो कि पीस कीपिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन माली के अंदर है जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 2013 में Considered to be the most dangerous United Nations operation in the world, recently peacekeepers convoy was attacked by the improvised explosive devices (IED) द्वारा device द्वारा इसको attack किया गया है by unified gunmen of Mali द्वारा. So attack led by the 4 people dead हो गई peacekeepers के and 5 were wounded.
तो हमें उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो मिसुमा इसके लिए नाम में है न्यूज में, क्योंकि अभी रिसेंटली जो माली के वहां पे थे उन्होंने अटैक किया है, माली की जो गवर्नमेंट उनके द्वारा डिफाइन किया गया है, इसलिए ये न्यूज में। 26th क्वेश्चन, एज ऑफ जनवरी 2021 व्हाट इज इंडियाज रिवाइज टारगेटेड फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन। तो जनवरी 2021 के अंदर इंडिया का क्या है, व्हाट इज द रिवाइज टारगेटेड फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। मैंने आंसर यहां पे दिखा दिया है, ये होना चाहिए था आंसर, देख लिया आपका आपने। India has planned to achieve 20% ethanol blending with gasoline by the year of 2025, which is a 5-year ahead of the target. पहले 2000 था, अब 2025 कर दिया गया है, 2020 था, अब 25 कर दिया गया है, और ahead sorry 2030 से 25 कर दिया गया है कि अब इसका achieve कर लेंगे। This is aim to the reduce India's dependence on the crude oil import and narrow down the current account deficit. तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है उसमें थोड़ा सा हमको अच्छा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और हम लोग क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट की है उस पर हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस होकर डिपेंडेंस। इंडिया फॉरेन सप्लायर टू मीट द मोर देन 80% ऑफ द डायमंड डिमांड से 80% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। 27th क्वेश्चन, Which company has manufacturing India's first driverless metro car? कौन सी कंपनी ने इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार को बनाया है? सी ऑप्शन तो नहीं है मैम। मैम बी ऑप्शन। बी ई एफ ई एल और बी एम ई एल या एस्ट्रोम या डीआरडीओ। अच्छा डीआरडीओ नहीं है ये, डीआरडीओ तो आर्मी का कुछ है, आर्मी के लिए। Yes, Defense Research Organization, Development Organization. Elstrom हो सकता है, BMEL हो सकता है और HAL। B option. B option पक्का? Yes ma'am. हम HAL तो नहीं हो सकता क्योंकि वो aeronautics से related है। Good one. Club. Option B or D? B ma'am. B की full form बताना ma'am. Full form बताऊंगे तो पता चल जाएगा ना। फुल फॉर्म आप गेस कीजिए क्या हो सकता है, ये डी बता दो, डी क्या है तब भी आंसर पता चल जाएगा। तो फिर कोई हिंट दो। क्या हिंट दूं, मतलब यही बता दो कि ड्राइवरलेस मेट्रो कार्स या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाती है, इतना बता सकती हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है ना आपने एलिमिनेट कर दिया, आप दो में से भी आपको हिंट क्या दूं, ये बताओ। चार तो तुम हिंट देती, थोड़ा हम करते हैं थोड़ा आपके। अच्छा पेपर में इतने थोड़ी आओगे सॉल्व करने के लिए, आपको ही करना पड़ेगा ना। ओके तो क्या लग रहा है, क्या नाम? यस बी कर दो। मे बी ना जो BMEL लिखा हुआ ना इसकी जगह BEML होना चाहिए था। BEML होना चाहिए था आपको अभी बोलना था क्या मैम, ये चीज आपको अभी बोली थी, कंफ्यूज होना चाहिए ना थोड़ा, आपको कंफ्यूज करना चाहिए। ओके इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग बाय द BMEL लिमिटेड हैज बीन मैन्युफैक्चरिंग इट्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट द बैंगलोर एंड इट वाज अनवील्ड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। The unit is in made up of stainless steel body as in carrying a capacity of 200 to 80 passenger को capacity carrying कर सकती। metro car बनाई है, cars बनाई है जिसने, वो है BMEL। BM is obtained order manufacturing 576 such cars for the Mumbai Metropolitan Regions Development Authority MRS1 project द्वारा बनाई गई है, तो इसमें बनाई है। ठीक है 28th question, India has signed a MOU with Japan recently. In which field? ये तो मैं कितनी बार पढ़ाऊँ आपको? इंडिया ने जापान के साथ MOU साइन किया है कौन से फील्ड के रिगार्डिंग? एयर ट्रेवल, डिफेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेट्रो रेल, मैन्युफैक्चरिंग। आंसर बता दो, दो तीन बार पढ़ लिया आपने, बताओ
इंडिया और जापान ने एमओयू साइन किया है कौन से फील्ड में? एयर ट्रेवल में, डिफेंस में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, या मेट्रो रेल मैन्युफैक्चरिंग? मेट्रो रेल, एयर ट्रेवल और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस, आईसीटी में किया है। सी ऑप्शन। इंडिया एंड जापान इज रिसेंटली in turn a MOU in the field of information and communication technology including 5G standardization. Yahi se aapko connect kar lena tha, do teen baar news mein bhi aa gaya. As per the terms of MOU, both the countries will enhance the cooperation in 5G technology, telecom security, submarine optical fibers cable systems of the islands and spectrum management, smart cities, etc. Acha, ye submarine optical fiber cable system islands ke regarding aapko kuch pata hai kya hai? Dekho, ye batati hu main aapko. Jo optical fibers hote hain, ऑप्टिकल फाइबर्स जो डाटा को कैरी करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इंडिया से आइलैंड्स जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड है, वहां पे ग्राउंड से मतलब कि ओशन से हम लोग ऐसे फाइबर केबल्स को डालेंगे जो वहां की इंटरनेट कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा सके आइलैंड्स के लिए. तो ये ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की बात करते हैं. क्वेश्चन 29, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल काइट flying festival celebrated in the Bangladesh? Shakti, Shakrin, Shrusti or Patang? So traditional kya naam? Shakrin naam. Shakrin, kaise? Main bas aise, ye mere bhai na kal bata raha tha wo cheez ke bare mein. Aur koi? I have no idea. शक्रेन बोलते हैं वहां के ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, काइट का फेस्टिवल वहां सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश. ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश शक्रेन वाज सेलिब्रेटेड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ ढाका, वहां की कैपिटल है, थर्सडे को सेलिब्रेट किया गया. ये जनवरी की बात चल रही है, ठीक है, जनवरी जब हम लोग हमारे यहाँ पे भी मकर संक्रांति का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ बंगाली मंथ ऑफ पोष. ऑन दिस ओकेजन people engage themselves in a kite flying and fireworks among many others. Recent addition like a DJ party bhi abhi hone lagi hai, recent addition ho gaya uska. To Bangladesh mein jo traditional festival hai kite ka, usse ye shakrein, theek hai, shakrein ya shakrein. Question 30, what amounts of funds in rupees has been subbed out in the financial system by the RBI through its recent reserve REPO operation? तो कितना अमाउंट स्ट्रक आउट किया गया है? 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 बिलियन या 2 ट्रिलियन? मैम सी ज्यादा क्या है इसमें? सी ऑप्शन मैम, 2 ट्रिलियन होगा. 2 ट्रिलियन. ऐसे क्वेश्चंस है ना, स्टैटिक क्वेश्चंस ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पता चलता है कि कितना अमाउंट क्या किया है क्या नहीं किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ आप हेडलाइंस देख सकते हो, टॉप 100 जो किसी भी न्यूज चैनल की हेडलाइंस से उसे पता चल जाती है. आरबीआई हैज रिसेंटली ड्रेन्ड रुपीस 2 ट्रिलियन ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम यूजिंग द 14 डेज रिवर्स रेपो एक्शन. अच्छा मुझे इसे अब करंटली फटाफट बता दो, रिवर्स रेपो क्या होता है? व्हाट इज रिवर्स रेपो? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? मैं उस दिन बताया था वैसे मैंने दोनों. करणदीप से आंसर चाहूंगी मैं. करणदीप सुन रहे हो, आवाज आ रही है? मैम मे बी गवर्नमेंट की ही कुछ, मे बी मैम श्योर नहीं हूँ, गवर्नमेंट की या प्रॉपर्टीज या इनका कुछ उसका ऑक्शन. शायद मैं श्योर नहीं हूँ मैम, पर शायद श्योर नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं. मैम आरबीआई मनी बोरो करती है मतलब दूसरे बैंक को, से पता नहीं वैसा ही था. मैम वो लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए होता है ये, तो वो तो रेपो रेट होता है. लिक्विडिटी जब मैम ज्यादा हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में जब ज्यादा होता है तब बैंक से बोरो करता है, जब नहीं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो. यस, आरबीआई बैंक को सिक्योरिटी दे देता है और उनसे पैसे ले लेता है आगे लिक्विडिटी कम करने के लिए. तो उसने 2 ट्रिलियन लिक्विडिटी को स्कर्ट आउट करने के लिए
आरबीआई ने रिजर्व बैंक रेपो ऑप्शन के द्वारा बैंक से पैसे लिए क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई है, इसलिए ये जनवरी की बात चल रही है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक प्रोसेस फॉर नॉर्मलाइजेशन लिक्विडिटी ऑपरेशन। द प्रेजेंट रिवर्स रेपो इज द रेट, देखो 3.35 है, रिवर्स रेपो 3.35। ये हमेशा याद रखना कि रिवर्स रेपो कब होगा, रेपो रेट से। हम एक बार फिर एक्सप्लेन करना है क्या था। देखो मैं अभी के नाम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एकम जो है वो आरबीआई है, ठीक है, एकम को मैं बना रही हूँ आरबीआई, और करंट डीप को मैंने बना दिया कमर्शियल बैंक्स, बहुत सारी कमर्शियल बैंक है जो कि करंट डीप चला रहा है। करंट डीप चलाने से करंट डीप को हम लोग कमर्शियल बैंक बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट में पैसे नहीं है, पैसों की कमी है मार्केट में, लाइक सबके पास कैश कम है, तो आरबीआई ने क्या करा, ऑफर दिया कि आपके पास करणदीप को ऑफर दिया। एकम ने करणदीप को बोला कि आपके पास जितने भी मतलब सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ भी हो सकता है, लाइक एग्रीमेंट हुआ है ना, स्टाम्प पेपर्स हुए, कुछ भी हुआ, उसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी जितने भी सिक्योरिटी है आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। रेपो रेट का भी रेट चल रहा है 4% रेपो रेट चल रहा है, तो 4% इंटरेस्ट पे मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो अब करणदीप को पैसों की जरूरत है, तो करणदीप ने आरबीआई से लाइक एकम से क्या कर लिए, जो भी सब कमर्शियल बैंक से उन्होंने आरबीआई से पैसे ले लिए एट 4% रेट पे, करणदीप को जरूरत है। तो ये क्या हो गया, रेपो रेट इंटरेस्ट इतना है, 4% रेट है, तो 4% इंटरेस्ट रेट पे करणदीप ने पैसे लिए आरबीआई से। अब इसी का उल्टा रिवर्स रेपो क्या हो गया कि मार्केट में बहुत ज्यादा कैश है, आरबीआई को लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैश हो गया है मार्केट में, लिक्विडिटी ज्यादा है, कम करनी है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो रेपो जो रिवर्स रेपो रेट है उसके भाव बढ़ा दिए कि आपके पास ज्यादा पैसा है आप मुझे दो, मैं इसका इंटरेस्ट आपको ज्यादा दूंगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझसे ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो करणदीप ने क्या करा, लालच देके कि हाँ ठीक है मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे मेरे पास तो पैसे पड़े ही हैं, तो मैं थोड़े पैसे रिजर्व बैंक पहुंचा देता हूँ। तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली आरबीआई से और पैसे वापस आरबीआई को दे दिए ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, है ना, ताकि थोड़ा सा उसका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। तो वो हो गया रिवर्स रेपो। समझ में आया आप रिवर्स रेपो और रेपो? यस मैम। ओके क्वेश्चन 31। India's first labor movement museum is to be launched in which state or union territories में? First labor movement museum कौन से इंडिया के स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में लॉन्च होने वाला है? Will be is to be launched in which state union territories? तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश? केरला। केरला मैम। केरला होने वाला है। India's first museum movement जो है लेबर का म्यूजियम टू बी लॉन्च इन अ हाउस बोट थोरियम हब एल्पाजा इन द स्टेट ऑफ केरला। इस म्यूजियम का एम है शोकेस करना हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट बाय द शोकेसिंग द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट एंड एग्जिबिट्स ऑफ केरला's लेबर मूवमेंट। जो केरला ने लेबर मूवमेंट चलाए थे उसको एग्जिबिट करना और शो करना कि वर्ल्ड में कितने लेबर मूवमेंट हुए हैं। कन्वर्सेशन आर्किटेक्ट डॉक्टर डेनी कुरियास्कोस इज एन लीडिंग प्रोजेक्ट ऑफ द आउटलेट ऑफ 9.95 crores का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है म्यूजियम को बनाने के लिए। क्वेश्चन 32। भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स RAF यूनिट विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इट इज द फर्स्ट सच यूनिट ऑफ विच स्टेट। ये जो फर्स्ट यूनिट थी इसकी कौन से स्टेट से है? तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा? RAF कर्नाटका और केरला में से बताओ ऑप्शन बी या सी। हम दोनों ही बहुत डेवलप्ड हैं तो कंफ्यूजन है, कौन पता नहीं कौन सी हो सकती है। फिर भी गैस तो कर सकते हो ना क्या हो सकता है। क्या लग रहा है, केरला हो सकता है या कर्नाटका हो सकता है? इसको पढ़ो, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स कहाँ से सिमिलर लग रहा है थोड़ा सा नाम।
मे बी कर्नाटका एज वो एक दूसरा स्टूडेंट भी कोई बोल रहा था. यस कर्नाटका. Union Home Ministry Amit Shah laid the foundation stone for establishing a unit of rapid action force RAF ki unit hai jo ki Bhadravati Shivangoma district in state of Karnataka. RAF specialized wing of Central Reserve Police Forces ki specialized wing hai. The unit will be the first battalion CRPF ki state by state hogi. Government has provided 15.29 acre for the land for purposes to the CRPF. He also inaugurated various farms friendly project in the Bagalkot Karnataka. Bhi inhone organize kiye hain farms ki project ke regarding. To RAF ki jo rapid action force uski jo ek unit hai wo yahan pe Karnataka mein establish ho gayi hai. 32. The Prime Minister of India recently laid the foundation stone of metro services and plank of 8 trains in which state? To dusri baar question pad rahe hain. प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली मेट्रो फाउंडेशन स्टोन डाली है मेट्रो सर्विसेज को. 8 ट्रेन कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश. अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर कहाँ के सीएम थे? गुजरात. 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 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि फेज टू में चल रहा है. सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट. मेट्रो प्रोजेक्ट आर सेट टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली. मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के रिगार्डिंग चल रहा है. प्राइम मिनिस्टर आल्सो फ्लैग ऑफ 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग केवाड़िया इन गुजरात व्हिच इज द स्टेटस ऑफ यूनिट इज लोकेटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. बहुत सारे पार्ट में स्टेटस उसके लोकेटेड होंगे और ये जो 8 ट्रेन स्टेट्स है जो कि मेट्रो Services and flag of air trains को start किया है वो गुजरात में हुआ है. Question 34. Yoweri Museveni, who is seen recent news recently, is a president of which country? अच्छा कल ये country हमने discuss भी की थी. हम Uganda. Uganda. Yes. Yes, ma'am. Uganda. ये प्रेसिडेंट है वहां की. योवरी मुसवेनी हैज बीन रीइलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा अ लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है. ही वॉन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोट 59% व्हाइल हिज मेन ओपोनेंट बॉबी वाइन जो है उन्होंने 35% वोट विन किए थे सिर्फ. द मेक योवरी मुसवी अज्यूम द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द सिक्स टर्म इन द सिंस 1986 तो सिक्स टर्म इनका है ऑफिस के अंदर. रिलेक्ट हो गई है ये वापस. Which social media giant has delayed the implementation of a new privacy policy by 3 months? Telegram, WhatsApp, Instagram, Twitter. Maybe WhatsApp or Twitter. WhatsApp. WhatsApp mein kya hai? Facebook on social communication giant WhatsApp. Announced the implementation of new privacy policy has been delayed by 3 months. The privacy policy was to originally come into force on 8 February 2021. Ab 3 months delay ho jayegi. The new privacy policy comes under the severe criticism for public and had led the massive migration for the users from WhatsApp to other platforms like Signal and Telegram. Maybe WhatsApp pe jo users hai wo move kar rahe hain. To maine thoda sa delay kar diya us policy ko. 36th question. The Prime Minister and the Cabinet for which country resigned over wrongdoing in child welfare payment? Prime Minister or Cabinet of which country resigned karna pada over wrongdoing in child welfare payment? Netherlands. Ma'am, B option. Netherlands, Japan or Australia. Okay, option. Main deti hu ye Scandinavian country. Ma'am, B. और कोई स्कैंडिनेवियन नहीं है. सॉरी मैम हिंट दे सकते हो आप? नीदरलैंड. नीदरलैंड स्कैंडिनेवियन नहीं. मुझे स्कैंडिनेवियन नॉर्वे सा रेड हुआ. ये नीदरलैंड का आंसर है. नीदरलैंड मैम. हां नीदरलैंड. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड जो कि है मार्क रूट Rutte, along the entire cabinet of ministry, have stepped down from power, taking responsibility for a scandal
involving investigation for the child welfare payment. Earlier, thousands of families were wrongly accused of child welfare fraud and told to pay money back to the government. तो वहाँ पे कुछ हुआ है चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम पेमेंट के रिगार्डिंग. तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के नेदरलैंड के जो कि मार्क रेटे है रूटे है और कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ा, पावर छोड़नी पड़ी. क्वेश्चन 37, व्हाट इज द कॉर्पस ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली. तो कितना है ये तो हम लोग स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर वाला पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कितने करोड़ है. तो 500,000, 2,000 नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है स्टार्टअप इंडिया सिर्फ 1,000 crore, 1,000 crore फंड इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इनिशियल कैपिटल फॉर स्टार्टअप व्हिच विल would promote the setting up of new startups and promote their growth. The Prarambh Summit marked 5th anniversary of Startup India initiative launched in the year of 2016. Sunam isko launch kiya gaya. 38 question. Which country has recently exited from Open Sky Treaty? Existed from the Open Sky Treaty, sorry. Kaun si country Open Sky Treaty se exit ho chuki hai? China, Japan, Russia, India. Which country has recently exit for the open sky treaty? Yeah. Maybe Russia. Yes, Russia is the answer. The government of Russia recently announced its decision on pulling out the open sky treaty. The treaty effective 2002 mein effected tha. So permit karti thi member to jo bhi space ke hain any part of the host nation which the largest consent. As per the treaty, as a signatory country, जो साइन कर रही है countries can be aerial imaging over the host nation after giving a notice for 72 hours का notice and sharing the exact flights path. तो ये जो open sky treaty है, ये इसमें पहले इसने USA ने इसको इससे pull out किया, अब Russia इसको pull out कर रही है और ये open sky treaty ये जो भी host करता है, वो नोटिस पे आप जो इमेजेस ले सकते हैं कर सकते हैं. तो ये ओपन स्काई ट्रीटी इसके रिगार्डिंग है. क्वेश्चन 39, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA का अवेयरनेस कैंपेन का नाम क्या है? उत्कर्ष, उत्साह, सक्षम, संस्कृत. सक्षम. और कोई? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन लॉन्च किया है. लाइक पेट्रोलियम हम 80% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो क्या नाम हो सकता है कि हमें इतना कैपेबल बनना है, क्या हो सकता है? मैम इसमें मैम वो बताते हैं कि भाई जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं और हमारी जो हेल्थ एनवायरनमेंट उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं हम लोग. पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ऑफ यूनियन पेट्रोल मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ मंथ लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है सक्षम. It is intended to create awareness among the common public about fossil fuels, health, environment impact of increasing carbon footprints, and the campaign would strive for consumers to adopt cleaner fuels and bring about efficient using fossil fuels. Regarding है कि environment थोड़ा कम use कीजिए, like इतना carbon footprint, कितना ज़्यादा carbon dioxide burn रहा है environment को, जो कि बहुत ज़्यादा danger करता है, dangerous में. Okay, last question आज का. फिर हम लोग अगले जो 80 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम लोग अगले टाइम पे अगले वीकेंड सैटरडे संडे कंप्लीट करेंगे. कल से तो फिर वापस हमारा जो इकोनॉमी वाला है वो पढ़ेंगे. विच कंट्री हैज विथड्रॉन इट्स सपोर्ट ऑफ 300 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. तो कौन सी कंट्री ने विड्रॉ किया है 300 मिलियन मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री CAR. और कोई? इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया. ऑप्शन
और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, एरिया वाइज सबसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आते रशिया मैम। रशिया हैज रिसेंटली इन्फॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन दैट इज विथड्रॉइंग एंड सेंडिंग होम 300 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स सेंट टू द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इंटेंडेड टू ट्रेन द अफ्रीकन नेशंस आर्मी। द आर्मी ऑफ द सीएआर सेंट्रल अफ्रीकन जो भी आर्मीज है उनको ट्रेन किया जाएगा फेसिंग स्टीप ऑफेंसिव रिएक्शंस फॉर द रिबेल ग्रुप अहेड द लास्ट मंथ इलेक्शन। तो थोड़ा सा ऑफेंसिव एक्शन था इसके लिए जो रशिया है वो विड्रॉ कर रही है इसका सपोर्ट 300 मिलिट्री इंस्ट्रक्टर जो कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सपोर्ट किया जा रहा है। तो रशिया है। ओके, यहाँ से जो 41 क्वेश्चन है हम लोग अगले वीकेंड पे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यस मैम। पूछना है किसी को कुछ? नो मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, जो मैंने वो वाला क्वेश्चन बोला था कि उसमें ऑप्शन जो था करेक्ट BMEL और मैंने कहा था वो BEML होना चाहिए, वो BEML होना चाहिए कि BMEL ही है? वो BMEL ही है। मैंने इससे आपको मना किया था कि आप मत बोलिए ताकि आंसर पता चल जाएगा। कंफ्यूजन। मतलब मैं ठीक बोल रही थी ना, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था तभी मैंने लेट बोला उसका आंसर। मेरे हिसाब से BEML होना चाहिए था। नहीं, वो सही है। ओके मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। Most welcome.